यदि हम किसी से पूछें कि मनुष्य तीन अवस्थाओं में अपना जीवन बिता देता है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, इसमें से सबसे आनंददायक अवस्था कौन सी है, तो सबका एक ही मत होगा कि जो आनंद बचपन में ही, वो आनंद किसी और अवस्था में नहीं। सम्मानीय कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने तो अपनी कविता मेरा नया बचपन में क्या खूब लिखा है कि बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। उच्च नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहाँ झोपड़ी और चिथड़ों में रानी। वास्तव में बचपन में एक दुर्लभ सौंदर्य, भोलापन, सरलता और आकर्षण होता है, जिससे हर कोई प्रभावित और आनंदमय हो जाता है। और अगर देखा जाए तो सबसे अधिक यह आनंद एक शिक्षक को मिलता है, क्योंकि एक शिक्षक का पूरा पूरा दिन कई बच्चों के साथ उनके व्यक्तित्व विकास को बढ़ाने में गुजरता है। समझने और आपके अधिकार को जानने का दिन है। संपूर्ण विश्व इस दिन को बाल दिवस के रूप में 20 नवंबर को मनाता है, पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों में देश का भविष्य देखते थे और बच्चों से अपार स्नेह करते थे। इसलिए बाल दिवस का यह पर्व उनकी याद में उनके जन्मदिन 14 नवंबर को मनाया जाता है। वास्तव में बच्चे कल का भविष्य है। यदि आप सभी छात्रों का सुंदर स्वभाव हो, आप समय का आदर करना सीखें और आपके विचार महान हो, तो हम निश्चय ही एक सुंदर और व्यवस्थित भविष्य बनाने की आशा कर सकते हैं। जीवन में आपको कई सफलता और असफलता मिलेगी, पर अक्सर छात्र छात्राएं असफलता आने पर टूट जाते हैं। पर जीवन में दिन रात की तरह सफलता और असफलता आती जाती रहती हैं। इन्हें समान रूप से स्वीकार करके पुनः प्रयास करते रहना चाहिए। ध्यान देना कि लक्ष्य की प्राप्ति एक प्रयास से नहीं, बार बार के प्रयास से मिलती है, और व्यर्थ के कार्यों में ऊर्जा नष्ट करने से मुख्य कार्य में बाधा आने की संभावना बढ़ जाती है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।